जमने तो सैयद के शहजादों शहजादियों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، صدق الله العظيم। نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ सबसे पहले मैं इस बानी दरसगाह सर सैयद अलैहिर रहमत को सराज अकीदत पेश करना चाहता हूं। मैं उनकी उस सोच को सलाम पेश करता हूं, मैं उनके जज्बे को सलाम पेश करता हूं, जिस जज्बे ने जिस सोच ने आज हमें आपके सामने रूबरू होने का मौका इनायत करवाया। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, सच हमारे इंतजामिया ने हमें बोलने के लिए जो टॉपिक मुतय्यन किया उसका यह नाम रखा कि हिंदुस्तान की आजादी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किरदार। मैं समझता हूं इससे बेहतर टॉपिक यह होता तलबा बिरादरी की आजादी को छीनने में शेखुल जामिया का किरदार। वाइस चांसलर साहब ये कहते हैं कि ऐसी हमें यूनियन चाहिए, ये यूनियन माइनॉरिटी कैरेक्टर के मसले में हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ी हो सके। लेकिन शेखुल जामिया साहब ने इस माइनॉरिटी कैरेक्टर का सौदा किया और उस लोगों से इस माइनॉरिटी कैरेक्टर की उम्मीदें लगाए बैठे हैं जिनके बारे में मैं शेर पढ़ता हूं। सब सियासी फरेब है वरना कल हमारे लहू से दामन है, दोस्ती क्या निभाएगा हमसे जो अदल से हमारा दुश्मन है। गांधी के कातिलों के मेहमान कातिल गांधी के कातिलों की मेहमानी करने वाले शेखुल जामिया जो हमें कहते हैं कि हमें माइनॉरिटी कैरेक्टर लेना है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वाइस चांसलर साहब अपने मकाम को छोड़ो इस अजीम दरसगाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मकाम को गिरा रहे हैं। दोस्तों मेरे अजीज साथियों, हम चाहते हैं कि इस कैंपस का माहौल डेमोक्रेटिक हो, हम चाहते हैं कि इस कैंपस के अंदर सियासत हो, हम चाहते हैं कि इस कैंपस का जनरल स्टूडेंट सियासत करे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस कैंपस के अंदर सियासत इश्यूज पे हो, सियासत मुद्दे पे हो, सियासत स्टूडेंट्स के मसाइल पे हो, सियासत की बुनियाद इलाकाइयत पे ना हो, सियासत की बुनियाद लॉबीज पे ना हो, सियासत की बुनियाद ग्रुपिंग पे ना हो। हम इस कैंपस की सियासत को बदलना चाहते हैं और हम बदल कर दिखाएंगे कि इस कैंपस के अंदर सियासत इलाकाइयत की नहीं होगी। इस कैंपस के अंदर
लॉबी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। इस कैंपस के अंदर अब सियासत होगी, जनरल स्टूडेंट सियासत करेगा, सियासत की बागडोर जनरल स्टूडेंट के हाथ में होगी। हम चाहते हैं और हम इस कैंपस के अंदर सियासत को एक नया रुख देंगे, हम सियासत का एक नया पाप शुरू करेंगे। सियासत को हम बताएंगे कि सियासत हमारे यहां जिसको कहते हैं सैयदुल कौमी खादिमों के तहत हम सियासत करके दिखाएंगे। मैं बताना चाहता हूं ये सियासत हमारे घर की लोनी थी, ये सियासत हमने इसलिए छोड़ रखी थी, कि हमें इस सियासत से ज्यादा अपने दीन अपने ईमान की हमें हिफाजत करनी थी, इसलिए हमने सियासत से किनारा कशी इख्तियार की। लेकिन उसका अंजाम ये हुआ कि सियासी रहनुमा ऐसे लोग बने जिन्हें पेशाब करने का सलीका भी नहीं आता। अब हम बताएंगे सियासत क्या होती है, नई सियासत की बुनियाद हम डालेंगे और इस कैंपस के अंदर अब सियासत होगी तो सिर्फ स्टूडेंट के मसाइल को। इस कैंपस के अंदर दलाली को खत्म किया जाएगा, दलाली का नाम और निशान मिटाया जाएगा। हम इंतजामिया से गिरेबान पकड़ के ये बात रखेंगे कि तुम्हारे वो हरबे जिसकी वजह से इस कैंपस के अंदर करप्शन दलाली फरोग पा रही है, उन तमाम चीजों पर रोक लगाओ, उसे बंद करो। तुमने नॉमिनेशन के नाम पे एक दलाली का करप्शन का इस यूनिवर्सिटी के कैंपस को उसका अड्डा बना दिया, एक कफन चोरों की मंडी बन चुकी है। नॉमिनेशन के नाम पे 1.5 से 2 लाख रुपए में ये एडमिशन बेचे जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, ये किसका नुकसान है, ये इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा का नुकसान है और मिल्लत का नुकसान है। हम चाहते हैं कि ये सियासत बंद होनी चाहिए और अगर ये लोबीज या मफादात की लोग सियासत करते हैं तो हम ऐसी सियासत को जूते की नोक पर रखते हैं। मसाइल का एक अंबार है, हुकूक की तल्फी अगर मैं गिराने में बैठूं तो कम से कम एक तवील मुद्दत दरकार है। हमारे साथ नाइंसाफी का जुल्म ज्यादती का वो एक तवील लंबा सिलसिला है जिसको गिराने का मैं बैठू तो आपके कान फट जाए। लेकिन इतने दिनों से ये जुल्म का तख्ते मश्क बनने के बावजूद हमने हमेशा अपनी हुकूमत की आवाज पुरअमन और पीसफुल तरीके से उठाई है। हमने कैंपस की डेमोक्रेसी को बरकरार रखा है, हमने कैंपस के माहौल को खराब नहीं होने दिया। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा बिरादरी की जीत है, ये सैयद अली रहमा के उन नौनिहालों की जीत है जो इस सैयद के नौजवान कैंपस के अंदर मसाइल की भरमार। सबसे ज्यादा जो मसाइल जो दिक्कत तलब है जिन्हें मैं आपके सामने लाना चाहता हूं और मैं
उनका हल भी आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे बड़ा मसला जो इससे पहले कभी नहीं रहा, वीसी साहब ने आकर उस मसले को पैदा किया है, वो मसला ग्रेजुएशन के अंदर एज लिमिटेशन का मसला है। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कभी भी ग्रेजुएशन के अंदर एज बाउंडेशन का मसला नहीं था, क्योंकि ये सैयद अली रहमान ने इस इदारे को कायम इसलिए किया था ताकि हिंदुस्तान के वो लोग जो तालीमी मायाशी इक्तिसादी एतबार से कमजोर है, वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस इदारे के अंदर अपने यहाँ पे आकर अपने तालीमी सिलसिले को जाए। और सर सैयद अली रहमत का खास शर्मिंदा ताबीर हो, लेकिन अफसोस वाइस चांसलर साहब ने गरीब घराने से आए हुए बच्चे, दूर दराज इलाके से आए हुए बच्चे जो अपनी आंखों में एडमिशन का खौफ सजा कर आए हैं, आप उन्हें नाउम्मीद ना मुराद वापस होने पर मजबूर कर दिया। बल्कि मैं ब्रिज कोर्ट के अंदर कुछ स्टूडेंट से मिला जिन्होंने इस बात का रोना रोया कि हमें अफसोस है कि हम मदरसे के तालिबे इल्म हैं और हम आगे अपनी तालीमी मरहले को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन एक फाउंडेशन की वजह से हमारे तालीम के सिलसिले का हाथ चक्र चूर हो रहा है, लिहाजा हमें बड़ा अफसोस है कि हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा। दूसरा मसला ये एक लिमिटेशन से ये सिर्फ तालिब इल्म का नुकसान नहीं बल्कि इस मुल्क का भी नुकसान है और मिल्लत का भी नुकसान है, इसलिए कि नौजवान ये किसी मुल्क का मुस्तकबिल हुआ करते हैं, लिहाजा अगर इनकी सलाहियत नहीं निकली और ये तालीम के सिलसिले को जारी नहीं रह सके तो मुल्क पीछे चला जाएगा। दूसरा मसला हॉस्टल अलॉटमेंट का, ये मसला तलबा और तालिबात के साथ, तलबा परेशान है कि हमें हॉस्टल नहीं मिलता और तालिबात ये परेशान है कि उन्हें पीजी के बाद जब वो पीजी में एडमिशन लेती है तो उन्हें हॉस्टल देने में देरी लगाई जाती है। यह मसला बुनियादी तौर से स्टूडेंट का मसला नहीं है, यह मसला इंतजामिया का मसला है। हम इंतजामिया से आंखों में आंखें डालकर ये कहते हैं कि इंतजामिया इस मसले को अगर हल करने में नाकाम है तो फिर उसको इंतजार में रहने का कोई हक नहीं है, बल्कि वो चाहे एचआरडी से जब वो एचआरडी की कासा देसी कर सकते हैं, जब वो गांधी के कातलों के मेहमान बन सकते हैं, जब वो पीएम के ऑफिस में एक दूसरे की पसे पुष्ट होकर जा सकते हैं, तो फिर ये हॉस्टल अलॉटमेंट हॉस्टल के लिए फंडिंग क्यों नहीं ला सकते। और ये मसला ये आपका मसला है, स्टूडेंट का मसला नहीं है, लिहाजा उन्हें परेशान न किया जाए, बल्कि ये आपकी बुनियादी जिम्मेदारी में से है कि आप स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉट करें। और हमें अपने इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा बिरादरी के ऊपर फख्र है, वो फख्र ये है कि हमारी तलबा बिरादरी का हमेशा ये उसूल रहा है कि इस तलबा बिरादरी ने जब भी अपना लीडर मुंतखब किया है, जब भी अपना किसी को रहनुमा बनाया है, तो उसकी इस्तेदाद, उसकी लियाकत, उसकी सलाहियत, उसकी इमानदारी, उसकी अमानतदारी को देखकर बनाया है। मुझे इस बार भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये तलबा बिरादरी अगर अपना लीडर मुंतखब करेगी, अपना रहनुमा किसी को बनाएगी, तो उसकी इमानदारी, उसकी लियाकत, उसकी सलाहियत, उसकी अमानतदारी के बुनियाद पे करेगी, इलाकायत के नाम पे नहीं करेगी, नोबिस के नाम पे नहीं करेगी। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है और
बात की भी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह के तलबा बिरादरी अपने मसाइल को लेकर सियासत करेगी, अपने प्रॉब्लम की सियासत करेगी। आज जनरल स्टूडेंट जरूर इस सियासत में हिस्सा लेगा। अगर हमने इन चीजों को छोड़ा तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि अगर एक वक्त ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा, उस जमाना कुर्ब कयामत का होगा और उस जमाने के अंदर तुम्हारे रहनुमा कौम और कबीले के रजील तरीन लोग होंगे, घटिया लोग होंगे। सच्चे को झूठा, झूठे को सच्चा समझा जाएगा, हमारा दार को खाइम, खाइम को हमारा दार समझा जाएगा, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा समझा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 40 साल जिंदगी के अंदर इसी खिदमत इंसानी को करके दिखाया। हमसे ज्यादा इंसानी खिदमत की कोई खिदमत कर नहीं सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल खिदमत करने के बाद जब अपनी नबूवत का ऐलान किया तो उनसे आशीरत का लकरबीन का दर्द सुनाया, तो उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको इन अल्फाज़ में तसल्ली देती है, इन्नका लतज़िलुर रहमा वतक्सिबुल मअदूमा वतुईनु अला नवाइबिल हक़, कि खुदा की कसम आपके अंदर वो सलाहियत है, वो काबिलियत है, आपके अंदर वो सिफात है, वो खूबियां है जिनकी बुनियाद पर अल्लाह ताला आपके अंदर कोई बेहतरी चाहता है, आपको रुस्वा ज़लील नहीं करना चाहता। वो खूबियां है कि आप सिला रहमी करते हैं, आप लोगों के साथ खड़े होते हैं, आप लोगों के मफादात पे काम करते हैं, आप कमजोरों का हक दिलाते हैं, आप गरीबों के साथ खड़े होते हैं। लिहाजा हमने ये बात साबित कर दी कि खिदमत इंसानी हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, और तारीख इस बात के लिए शाहिद है कि जब जब 1400 साल से तारीख इस बात की शाहिद है कि जब जब हमने दीन और सियासत को जोड़कर इस दुनिया की रहनुमाई की है तो फिर पूरी इंसानियत का भला हुआ है, और जब हमने दीन और सियासत को अलग किया है उसके बाद इस दुनिया ने चंगेज और हल्लाकू की भी तारीफ की है। हम चाहते हैं कि कैंपस के अंदर ऐसी सियासत हो, ऐसी यूनियन आए जो यूनियन इंसानियत की बात करे, जो यूनियन इंसानियत की खिदमत के लिए कमर बस्ता हो, जो जात और बिरादरी इलाकाइयत लॉबीज की बात ना करे, वो यूनियन लॉबी को मजबूत करने के लिए ना हो, वो यूनियन इलाके को मजबूत करने के लिए ना हो, वो ग्रुप को मजबूत करने के लिए ना हो। हम चाहते हैं ऐसी यूनियन आए जो जनरल स्ट्रेंथ की बात करे, जो इंसानियत की बात करे, जो खिदमत इंसानी की बात करे। दोस्तों मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इज्जत-ए-नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबान से